अच्छा को आपने देखना शुरू कर दिया है मिसफिट लाइफ। मैं गिरीश बिलोरे अपने पेट खरगोश चीकू को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। चीकू बहुत शरारती है। चीकू इस वक्त टीवी देखने में मस्त है। ये उसके सोने का समय है। सामान्य रूप से कोई भी पशु या पक्षी सूर्यास्त के उपरांत अपने घोंसले और पिंजरे या अपने जो डैन बनाते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ रहने वाला, मैनकाइंड के साथ रहने वाला जो पेट होता है वो इतनी जल्दी नहीं सोता, क्योंकि हमारे घर में दिन जैसी लाइट की व्यवस्था सभी घरों में होती है तो वो उसी हिसाब से सोते हैं। लेकिन जब थक जाते हैं तो ये पलंग के नीचे या कहीं भी ऐसी अंधेरी जगह पे अपना जगह बना लेते हैं और फिक्स जगह होती है सामान्य रूप से इनकी। चीकू जी अपने को साफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब से कुछ देर बाद ये सो जाएंगे। सोने के पहले और जागने के तुरंत बाद ये अपने आप को पूरी तरह साफ करते हैं। पर इनका जो लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है, ये टीवी बार बार देखते हैं और आज इनको बहुत खुशी भी है। वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से उछल के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। खुश होते हैं तो एक विशेष तरह का अपने बॉडी में जर्क पैदा करते हैं और आपको आपके सामने प्रदर्शित करते हैं कि वो खुश हैं बहुत। इनको डाइट के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। मैक्सिमम डाइट इनको आप नेचुरल दें, हरी घास, तो हरी घास का मैंने एक वीडियो बना के आपको दिया भी है। इसके अलावा हे यानी सूखी घास, तो सूखी घास के लिए हमें अभी वर्तमान में निर्भर करना पड़ता है, ऑनलाइन मंगाना पड़ता है अमेजान फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ये हरी घास, सूखी घास, क्षमा करें, सूखी घास उपलब्ध है। चीकू जी बार बार टीवी की तरफ नज़र कर रहे हैं और ये जी टीवी का वो शो देख रहे हैं। ये बहुत भयानक चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते। इनको या तो कोई वार्ता अगर चलती रहती है, समाचार चलते रहते तो बड़े ध्यान से देखते हैं, या हल्का म्यूज़िक जो है वो इनकी पसंद है। अगर बहुत तेज म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक है तो वो भागते हैं, और किसी भी तरह की तीव्रता वाली ध्वनियाँ जिसमें तेज़ी का एहसास हो, डांसिंग सॉन्ग्स वगैरह हो, तो वो डरते हैं। अगर मोहल्ले से डीजे निकलता है बजते हुए तो ये भी कहीं छिप जाते हैं। चीकू जी इस वक्त अपने आप को साफ कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, और शरीर का अंग अंग साफ कर रहे होते हैं शाम को, रात में सोने के पहले और जागने के बाद। मैं आपसे ही अनुरोध करूँगा कि इन्हें कभी ना नहलाएं। नहलाना भी है तो आप इन्हें गीले कपड़े से पोंछ दें। गीले कपड़े से पोंछने के बाद में आप किसी तरह का केमिकल बिल्कुल मत डालें, क्योंकि ये केमिकल डालने से अपने आप को चाटते हैं तो वो इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अभी चीकू जी को बड़ी खुशी हो रही है, कुछ देर में आप देखेंगे। ये देखिए सर हिलाया, ये प्रसन्नता व्यक्त करने का तरीका है, क्योंकि एक ओर से उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंटिंग का यही तरीका है कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उनसे बात की जाए। वे स्वतः दिन में एक दो बार आपके साथ में बैठकर बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी उन्हें श्रीमती जी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और उधर से टीवी भी चल रहा है, तो वो बड़े मज़े से खुश होकर एकदम दौड़ते हैं। ये एक जो उनके शरीर में जर्क है वो बड़ा आकर्षक लगता है।
नहलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा इनके कान में तो वाह, ये देखिए आपने देखा, कान में इनके पानी नहीं जाना चाहिए, एक बूंद भी पानी इनके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। खरगोश की पेरेंटिंग करते करते हमें लगभग 4 महीने हो गए, 3 से 4 महीने, तो इन्हें बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से रखना हमारी ड्यूटी है। धन्यवाद।